अच्छा भिवंडी में किसकी लहर है? भिवंडी में तो अभी फिलहाल कपिल पाटिल का ठीक है, और वालिया मामी में दोनों रेस में है, कुछ बोल नहीं सकते, दोनों की टक्कर है, अच्छी फाइट करेंगे दोनों लोग। देखो भाई यहाँ पे ना वालिया मामा ने कुछ खराब नहीं करा, ना कपिल पाटिल ने खराब करा, हमारे को जो करना है तो खाना है, वो एक 5 साल में एक बार आएंगे, दौरा करेंगे, चले जाएंगे। वालिया मामा कपिल पाटिल, वालिया मामा, वालिया मामा, आज 10 साल से देख लो क्या हो रहा है, आज 10 साल से कपिल पाटिल साहब इलेक्शन है, मंत्री है, आज दिख रहे हैं भिवंडी शहर में, आज दिख रहे हैं भिवंडी शहर में घूमते हुए, इससे पहले दिखे नहीं, दिखे कोई विकास नहीं, कुछ काम नहीं। एक साइड में कपिल पाटिल है तो उन्हीं को टक्कर दे रहे हैं वालिया मामा सुरेश म्हात्रे एनसीपी की तरफ से, क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा है? वालिया मामा भाई, वालिया मामा, हमारा और वालिया मामा, क्या वजह है वालिया मामा क्यों? क्यों काफी समय से वो सत्ता में नहीं है, वो हो नहीं हो, लेकिन देखिए कैसा रहता है, घर का एक सदस्य, जब हम उनको सदस्य अपने घर का बनाए, यहाँ का एमपी बनाए, उन्होंने क्या किया 10 साल में, कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, तो आप घर के दूसरे आदमी को सदस्य बनाएंगे? अपन ये बोलते हैं कि जो भी आए, चाहे वालिया मामा आए चाहे कपिल पाटिल आए, अपने को काम भिवंडी में अच्छा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, अपने को ये नहीं कि वो अच्छा है नहीं खराब नहीं, अपने को किसी की लालच नहीं है, कोई भी आओ अच्छा है। देखिए मेरे समझ में बीजेपी तो अच्छी है, चिड़िया भी खड़ी होएगी ना कमल के फूल पे, चिड़िया को वोट दे देंगे, एक चिड़िया आएगी ना, चिड़िया अगर वो उसके चोंच में अगर वो रहे कमल का वो फूल रहे ना, उसको दे देंगे, उसको दे देंगे। तो काम जरूरी नहीं है, काम नहीं देखोगे? नहीं, देश जरूरी है अपना, देश जरूरी है अपना, भले खाने नहीं मिले, भले खाने नहीं मिले, जब देश रहेगा तो खाने को भी मिलेगा, सोने को भी मिलेगा, पहनने को भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा, इसके पहले मिलता देश रहेगा तो। कोई ना कपिल पाटिल आएंगे ना वालिया मामा आएगा, हमको तो एक बार वोट दे दिए, या उनकी सरकार बने या उनकी सरकार बने, मगर ये बाद में है, ये सब मुद्दे मत निकालो। कौन से यहाँ के पब्लिक का क्या मैनिफेस्ट है कि वो क्या चाहते, जो भी तिवार आ जाए उनसे क्या चाहते, क्या क्या कामें हो? हमारे ही तिवार आता तो पाबंदी लग जाती, बकरीद आया तो उससे पाबंदी लग जाती, रमजान तिवार आया तो ये होता है, बाकी तिवारों में कुछ नहीं होता है, बाकी फालतू दिनों में कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई सरकार किसकी भी बने सहूलियत से चलाओ ना, ताकि सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलके एकजुट होके दोनों त्योहार मनाओ। बीजेपी सरकार 10 साल से थी, ना मुसलमानों के लिए कुछ की है, ना भिवंडी वासियों के लिए कुछ की है, और बीजेपी का मुद्दा यही रहा है कि अक्सर जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब रहा है, और कुछ मुद्दा है नहीं बीजेपी के पास में। और बीजेपी वालिया मामा को लाने का मकसद ये है इसीलिए कि वो सेकुलर पार्टी से है और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि भिवंडी का विकास के लिए कपिल पाटिल ने कुछ किया नहीं है। भिवंडी शहर में ग्रामीण का तो मैं बता नहीं सकता, मगर सिटी में कुछ किया नहीं है उसने कपिल, और कपिल पाटिल को कौन जानता है भिवंडी सिटी में, मेरा कौन जानता है भिवंडी सिटी में कपिल पाटिल को? हम तो नाम भी नहीं सुनते कि हमारा एमपी था, हम तो नाम अभी सुन रहे हैं कि हमारा एमपी था कपिल पाटिल, मगर कपिल पाटिल को हमने आज तक देखे भी नहीं है। वही इलेक्शन आने के बाद से आपको थोड़ा पता, हाँ थोड़ा पता है चला है कि ये पोस्टर में जो है कपिल पाटिल है, मगर कपिल पाटिल को हमने आज तक लाइव नहीं देखे, क्यों? तो एक नेता ऐसा होता है कि भिवंडी में घूम के सर्वे करता है कि कहाँ किसको तकलीफ है, क्या किस चीज़ की तकलीफ है, वो भिवंडी में कभी आया नहीं है। क्या लगता है किसकी लहर ज़्यादा दौड़ रही है भिवंडी में? मेरे को तो दोनों का नाम अभी आप बता रहे हो। अबे वालिया मामा की नहीं, वालिया मामा का 90% जो है ना लहर दौड़ रही है, बहुत धूम से दौड़ रही है, क्योंकि ये जो है ना अपना वो कहने का मतलब ये सब अपने उदय ठाकरे सब मिले जुले आदमी है, वो हिसाब से जो है वालिया मामा का लहर 90% है अभी। और कपिल पाटिल साहब तो ऐसा है कि वो 10 साल हुआ उनका, लेकिन अभी वो सब बार बार है गाँव में, कुछ ऐसा तो है नहीं, हम लोग तो हमेशा परेशान हैं और परेशान रहेंगे। अब कि हम लोगों को 90% कांग्रेस को ही लाना है, ये तो अभी उसका इलेक्शन है, दिल्ली का है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, वालिया मामा को आना है, आना है, आना है। क्या वजह है कपिल पाटिल? जो काम है वो बीजेपी का हिसाब से वो भी काम कर रहा है, और क्या, जो विकास हो रहा है विकास करवा रहा है, और क्या, ये नहीं कि आगे उन मोदी के नाम पे वोट लेके जीत गए तो बैठ गए, वो भी विकास करवा रहा है ना, ऐसी बात नहीं। तो क्या वालिया मामा को एक चांस देना चाहिए? अभी वालिया मामा का जिधर अभी तो पहली बात तो ये लड़ रहा है लोकसभा चुनाव, तो अभी उतना तो उनके बारे में है नहीं, अभी कपिल पाटिल दूसरी बार है,
तो उनका काम दिख रहा है। हमारे जवानों का गर्दन काट के लेके जाते थे, मनमोहन सिंह बोलते थे बातचीत से मामला सुलझाएंगे, सुलझा क्या? नहीं सुलझा। मोदी साहब ने क्या किया, सुबह में उठे तो पता चला कि कितने लोग क्या मालूम किधर चले गए, पूरी वर्ल्ड। आपको क्या लगता है, नहीं सुलझा? नहीं सुलझा, नहीं सुलझा, नहीं सुलझा, नहीं सुलझा। क्यों क्या नहीं सुलझा? लोगों का मालूम क्या, जो जो बात करे वो सुलझा नहीं, जो नहीं सुलझा आने वाले समय में सुलझ जाएगा। अच्छा डेवलपमेंट के मामले में क्या लगता है, 10 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो यहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसकी बदौलत हुआ, अपने राइस से की बदौलत हुआ है? यहाँ पे तो डेवलपमेंट हुआ है ईस्ट में, वेस्ट में बता नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये, और बाल्या मामा क्या है, मैं भी बाल्या मामा का भी सपोर्ट नहीं करूँगा, मगर बाल्या मामा का हवा इसीलिए है कि वो सेकुलर पार्टी से है, लोगों को लेके चल रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेके चल रहा है। हमको नेता यही चाहिए कि हिंदू मुस्लिम को लेके चले, भिवंडी में एकता बनाए रखे और मंदिर मस्जिद को एकता बनाए रखे, भिवंडी में वातावरण ना खराब हो, इसीलिए।